एक और बड़ी खबर जो आज दिल्ली का दौरा भी करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा आज दिल्ली का दौरा भी किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। केंद्रीय मंत्रियों के साथ हरियाणा के विकास को लेकर के चर्चा होगी। तो पहले नारनौत दौरा और उसके बाद जो है वो दिल्ली दौरा भी सीएम का देखने को मिलेगा। जो आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम मनोहर लाल ने उच्च शिक्षा परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। बैठक में प्रतिनिधिमंडल द्वारा अपनी मांगों को रखा गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कुछ मांगों को मान लिया और कुछ मांगों पर विभाग के अधिकारियों को विचार विमर्श करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति तैयार करने के संबंध में सर्वे किए जाए, जिसके तहत शिक्षकों से उनके स्थानों का विकल्प लिया जाए। तदनुसार विषयवार तथा मांग के अनुरूप नीति तैयार की जाएगी। इस नीति से विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों को तो लाभ मिलेगा ही और शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कॉलेजों में 1535 शिक्षकों की भर्ती जल्द की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से हरियाणा लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा जा चुका है। इसके अतिरिक्त 1500 शिक्षकों की ओर भर्ती के लिए इसी महीने आयोग को पत्र भेजा जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि विद्यार्थियों को समाज के साथ जोड़कर उनमें सेवा का भाव पैदा करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत सत्यापन सर्वे या ऐसी अन्य गतिविधियों में विद्यार्थियों को अवश्य शामिल किया जाए। जब विद्यार्थी स्वयं कल्याणकारी योजनाओं में सहयोगी बनेंगे तो उनमें निश्चित तौर पर सेवा की भावना पैदा होगी।